दोस्तों बची हुई चीज़ के साथ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेस। तो बस मैंने भी दिवाली की बची हुई खीलों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम चटपटा सा और क्रिस्पी सा नाश्ता बनाया, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन होता है ना उसे प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार और चटपटा नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल भरकर खील ले लिए हैं और खीलों को मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें जो तिनके वगैरह होते हैं वो उठा दिए हैं और उसके बाद गैस ऑन करी, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई को एक बार बढ़िया सा गर्म कर लिया और उसमें डाल दी ये खील। इसमें आपको तेल, घी, चिकनाई कुछ भी नहीं डालनी है, बस आपको इसे करना है ड्राई रोस्ट। लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, फ्लेम को एकदम हाई कर लीजिए क्योंकि हमें इसे करना है बिल्कुल क्रिस्पी, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि खील जो होती है बहुत हल्की होती है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ये बहुत ही जल्दी से काली हो जाती है और काली होने के बाद में इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। 2 से 2.5 मिनट तक आप इसे लगातार चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो खील है जैसे मखाने हो जाती हैं या मुरमुरे हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से क्रिस्पी हो जाएगी। तो बस परफेक्ट स्टेज है कि आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। और ये लिया मिक्सी का जार जिसमें हम खील को ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका बना लिया एकदम फाइन पाउडर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, एकदम बारीक सा है, जैसे एकदम मैदा होती है ना आपको वैसा फील होगा, लेकिन ये काफ़ी हल्का होता है। और इसमें गया टेस्ट के हिसाब से नमक। उसके बाद मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन, जिसे हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे इसका पूरा फ्लेवर निकल कर आएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं, अगर आपके पास अजवाइन या कसूरी मेथी नहीं है इसे स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून जितना देसी घी, अगर देसी घी के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, वरना कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1/4 कप जितना ले लिया फ्रेश दही और उसके बाद लिया 1 कप जितना नॉर्मल गेहूं का आटा और इन सब चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स जो हमने दही डाला है ना उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे, यानी कि जैसे हम नॉर्मली पराठे के लिए डो लगाते हैं ना उस तरीके का आपको डो लगाना है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड पूरी की जैसा, ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जैसे नॉर्मली चपाती के लिए रखते हैं। और ये लीजिए डो लगकर तैयार है। हाथों को हल्का सा चिकना करेंगे और डो के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे जिससे डो सूखेगा नहीं और ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको बहुत देर के लिए नहीं रखना है। और उसके बाद मैंने ले लिए ये 4-5 उबले हुए आलू जिसे उबाल लिया है लेकिन एक्स्ट्रा कुक नहीं किया है। और ये ली कढ़ाई जिसे गैस पर रख दिया और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं लेकिन सरसों के तेल के साथ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तेल हुआ गरम, उसके अंदर हमने डाल दिए 2 हरी मिर्चें, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लिए थोड़े से करी पत्ते, अगर नहीं है तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं। अगर आप प्याज खाते हैं तो इसमें आप डाल दीजिए 1 बड़े साइज का प्याज जिसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया। अगर नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के सिर्फ आलू से भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगी। प्याज को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा प्याज गर्म होना तो ट्रांसपेरेंट होगा, ना ही बहुत ज़्यादा गुलाबी होगा। उसमें डालेंगे बेसिक से मसाले, ये गया 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर। ये लिया है मैंने स्पेशल कचौड़ी मसाला जिसमें होता है होल धनिया जिसे हल्का सा दरदरा कर लेते हैं और कच्चा जीरा जो हल्का सा दरदरा होता है, इसे आप कचौड़ी में डालिए या समोसे में डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। भरवा आलू के जो पराठे बनाते हैं ना उसमें भी मज़ेदार टेस्ट करता है। और बस मसालों के साथ प्याज भी हल्की सी भुन गई है और ये डाल दिए उबले हुए आलू। आलूओं के साथ अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते जाएंगे, भूनते जाएंगे, जिससे ये बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी सा हमारा आलू की फिलिंग तैयार हो जाएगी। बस इस तरीके से तोड़ते जाइए और फोड़ते जाइए और ये लीजिए टूट टूट कर और फूट फूट कर आलू तैयार हो गए। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा डाल दिया काला नमक जिससे बहुत ही बढ़िया और अलग सा टेस्ट आएगा। और ये देखिए हमारी बढ़िया सी स्टफिंग तैयार हो गई है। और अब फाइनल यानी कि लास्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और इसके साथ ही थोड़ा सा मिक्स किया और मैंने कसूरी मेथी डाल दी
जिसे हाथ से क्रश कर लिया, और कसूरी मेथी आप पहले भी डाल सकते हैं क्योंकि मैं तो पहले भूल गई थी, और बस अब मैंने इसे मिक्स कर लिया और स्टफिंग को कर लिया बढ़िया सा ठंडा। फ्रेंड्स, मैंने जो स्टफिंग तैयार करी है वो काफ़ी ड्राई सी है। कई बार होता है ना कि आलू गीला वाला आ जाता है, स्टफिंग उतनी ड्राई नहीं होती या भूनने में कमी रह जाती है, तो आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ चने का आटा डाल सकते हैं, थोड़ी सी सूजी भून के डाल दीजिए, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और स्टफिंग ड्राई हो जाएगी। तो इधर हमने ये जो खील का डो लगा के रखा था ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डो है पहले से थोड़ा सा गीला हो गया है, इसीलिए मैंने कहा था इसे आप पराठे जैसे लगाएं। अब ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है। इसे मैनेज करने के लिए आप हाथों को अच्छे से चिकना कर लें, वरना ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लगेगा। तो मैंने कर लिया हाथों को चिकना। अब हम इसमें से जैसे नॉर्मली हम और कचौड़ियाँ बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डो बॉल बना लेंगे। अगर आप चिकने हाथ से इसे बनाएंगे तो आपके हाथ में ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा, और हाथों पे ही इस तरीके से हल्का सा फैला लिया कटोरी जैसी शेप दे लेंगे। उसके लिए बस आप इसे साइडों से थोड़ा सा पतला कर लें और जो बीच वाला हिस्सा है ना उसे ऐसे ही रहने दें। स्टफिंग का भी इस तरीके से गोल सा पेड़ा बना लिया, अच्छे से सेट कर लिया, और साइडें उठाते हुए हम इसे बढ़िया सा सिक्योर कर लेंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट जैसे नॉर्मल कचौड़ियाँ बनती है ना, कचौड़ी तैयार है। तो हथेली से वाला हिस्सा लिया और इसे बीच से हल्का सा प्रेस कर दिए इस तरीके से। अगर आप करते हैं तो कचौड़ियाँ बढ़िया फूलती हैं। तो लीजिए कुछ कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब बारी है सेकने की। सेकने के लिए मैंने ऑयल को एकदम मीडियम गर्म कर लिया है, और हल्का हल्का सा हम कचौड़ियों को फ्लैट करते जाएंगे और कचौड़ी को ऑयल में डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, इन कचौड़ियों को सेकने में आपको 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा, तभी कचौड़ियाँ बढ़िया से सिक कर तैयार होंगी, क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा डाला है तो उसे सिकने में थोड़ा सा समय लगेगा। खील तो दोस्तों अपने आप में पहले ही सिकी सिकाई होती है, तो उसे सिकने में समय नहीं लगेगा। अगर आपने इसे 10 से 12 मिनट का समय दिया तो आपकी कचौड़ियाँ जो बनेंगी वो इतनी ही क्रिस्पी बनेंगी, और देखिए एकदम परफेक्ट फूली फूली और एकदम खस्ते जैसी कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये रखिए अपनी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी सी कचौड़ियाँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। सर्व करने के लिए मैंने लिया है हरे धनिया की तीखी सी चटनी, इसके साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेंगी। आप दही के साथ खाइए बढ़िया टेस्ट करती हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। साउंड से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी कचौड़ियाँ काफ़ी क्रिस्पी बनी हैं। तो एक को ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए फीलिंग एकदम बढ़िया सी चारों तरफ हो गई है, जो कि देखने में बढ़िया लग रही है, खाने में टेस्टी है, और स्पेशल बात है कि हमने इसे खील के साथ बनाया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों रेसिपी तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए प्लीज़ 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 अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।